आम भारतीयों के लिए गौरव का प्रतीक बन चुके राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय आज से नए अंदाज में है। आम लोग आज से इसके डिजिटल अवतार का शानदार अनुभव ले सकते हैं। राष्ट्रपति भवन डिजिटल संग्रहालय में भारत के लोकतंत्र से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां हैं और जो भी चीजें हैं, साथ ही आपको राष्ट्रपति भवन में रहने का एहसास भी मिलेगा। यह है राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। साल में एक महीने के लिए जनता के लिए खोला जाता है, लेकिन अब हम पूरे साल इसका लुत्फ उठा सकते हैं। आज से जब भी आप राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में दाखिल होंगे तो वर्चुअल सेट पर तैयार किया गया मुगल गार्डन आपके सामने होगा। बेहद शांत माहौल है और जो चिड़ियों की आवाज है वो आ रही है, आस पास पशु पक्षी है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस तरीके का यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पर राष्ट्रपति म्यूजियम में। और अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक मुगल गार्डन के सामने हम एक जो वॉक कर रहे हैं उस फील को देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। मुगल गार्डन के बाद जो दूसरी सबसे खास चीज राष्ट्रपति भवन की होती है वो है राष्ट्रपति की शाही बग्घी। इसमें महामहिम कुछ विशेष समारोह के दौरान ही सवारी करते हैं, लेकिन अब आप भी ऐसा अनुभव ले सकते हैं जिससे महसूस होगा कि आप खुद इस बग्घी की सवारी कर रहे हैं। यही नहीं, आप अपनी इस सवारी की फोटो भी संजोकर रख सकते हैं। शाम की सवारी राष्ट्रपति भवन की बग्घी में अगर आप बैठना चाहते हैं या फिर आप उसकी यादें संजोकर रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी खास व्यवस्था राष्ट्रपति भवन में की गई है। आप एक क्लिक करेंगे और इस तरीके की जो तस्वीर है वो कैद हो जाएगी और आप इसे संजो कर रख सकते हैं और आपको महसूस होगा कि आप बैठे हैं राष्ट्रपति भवन की शाही बग्घी में। दरअसल ये सब मुमकिन हुआ है 4D होलिस्टिक प्रेजेंटेशन तकनीक के जरिए। इससे न सिर्फ आप राष्ट्रपति भवन का हिस्सा बन सकते हैं बल्कि हमारे देश के सभी राष्ट्रपति का एक एक भाषण भी सुन सकते हैं। इसके अलावा भी इस संग्रहालय में आपके लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है, इसको हम कास्केड सिस्टम कहते हैं। इसमें 3 कंप्यूटर जोड़े गए हैं जिसमें हम इसमें दिखाया गया है, देखिए ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस 13th लोकसभा। ये हम इमेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं, डिफरेंट इमेजेस हैं, हम इनको जूम कर सकते हैं, वी कैन रोटेट देम लाइक दिस एंड सम वीडियोस आर आल्सो एडेड देयर, यू कैन सी देयर, दीज आर सम वीडियोस। इस डिजिटल संग्रहालय में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हमारे राष्ट्रपति के कमरे कैसे हैं। डिजिटल संग्रहालय में आगे बढ़ने पर आपको राष्ट्रपति भवन का अध्ययन कक्ष, किचन और लाइब्रेरी की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको राष्ट्रपति भवन के इतिहास में जीने का मौका भी मिलेगा। आपको दिखाते हैं 1931 का वो ऐतिहासिक पल जब गांधी जी और इरविन का समझौता हुआ। एक तरीके के पूरे इतिहास को बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में। 1931 का वक्त था और गांधी इरविन पैक्ट तब हुआ था राष्ट्रपति भवन में और बेहद ऐतिहासिक वक्त था। आप उस ऐतिहासिक पल को महसूस कर सके ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और यहाँ पर गांधी जी यहाँ पर निकल रहे हैं और हम एक वर्चुअल इमेज के जरिए हम यहाँ पर गांधी जी के साथ हैं और ये उस वक्त का ये माहौल है जब गांधी जी इरविन पैक्ट साइन करके जब ये बाहर निकले थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कुछ आपसे छूट गया हो तो मॉनिटर पर राष्ट्रपति भवन गैलरी से क्लिक करके आप मनचाही जानकारी ले सकते हैं, यानी राष्ट्रपति भवन अब सिर्फ एक क्लिक दूर है। अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7।